नमस्कार, मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारे ये वीडियो गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट पर है, यानी बच्चियों में जो एक कॉन्फिडेंस की कमी होती है उनको सशक्तिकरण कैसे किया जाए, ये इस पर बेस्ड है। इस टॉपिक पर मैं बहुत जगह पर जाकर सेमिनार भी लेता हूँ और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। आपको भी अगर कहीं पर इसके लिए मुझे इनविटेशन देना हो तो हमारे ऑफिस में बता सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी सेवा है। तो गर्ल चाइल्ड्स के बारे में हमने जो इश्यूज देखे हैं वो क्या होते हैं? मोस्टली लड़कियों में या तो शिक्षा का अभाव है, या किसी तरह के फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या उनकी मोबिलिटी कम होती है, उनको हर जगह नहीं जाने दिया जाता, या फिर लो एबिलिटी टू बियर रिस्क, हम किसी तरीके से जोखिम नहीं उठाने देते अपनी बच्चियों को, और लैक ऑफ अचीवमेंट जो है जीवन में, उपलब्धियां, बड़ी बड़ी उपलब्धियां, जो हम चीज़ें प्लान करते हैं वो अधिकतर लड़कों के बारे में प्लान करते हैं। लड़कियों को उतना ज़्यादा अटेंशन नहीं मिलता, उतना ज़्यादा एम्पावरमेंट नहीं मिलता। प्यार मिलता है, प्यार अपनी जगह पर है, लेकिन एम्पावरमेंट दूसरी चीज़ है। सो इसके लिए ही हम लोगों ने, हमारे समाज की व्यवस्था ऐसी है कि हम अपनी बच्चियों को उतना प्यार, अपनी लड़कियों को उतना प्यार हम उतने ढंग से सशक्तिकरण नहीं कर पाते जितना कि हमें किया करना चाहिए। तो इसके लिए जो मैंने कुछ पॉइंट देखे हैं जिनके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा, राइट माइंडसेट, राइट टेक्निक्स, राइट एटीट्यूड होना चाहिए, राइट डिफेंस हो, राइट माइंड प्रोग्रामिंग और राइट टिप्स, इसमें मैं कवर करूंगा। इसमें राइट माइंडसेट, सबसे पहले हम अपना माइंडसेट बदलने की कोशिश करेंगे कि गर्ल चाइल्ड का जो सेल्फ एस्टीम है वो इतनी कम क्यों होती है, लड़कियों का आत्मसम्मान इतना कम क्यों होता है। अब इसके लिए लड़कियों को, इसके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ये जो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ, इन्होंने कहा कि टू मेनी यंग गर्ल्स हैव ईटिंग डिसऑर्डर ड्यू टू लो सेल्फ एस्टीम एंड डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज। आई थिंक इट्स सो इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स टू लव देमसेल्फ एंड टू ट्रीट देयर बॉडीज रिस्पेक्टफुली। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, क्योंकि लड़कियों का आत्मसम्मान कम होता है, इसलिए उनको अपने शरीर से एक लो सेल्फ एस्टीम के कारण अपनी इस बॉडी इमेज के प्रति वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं, और मोस्टली इस कारण से पेट हमेशा गड़बड़ करता है, पेट में हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती है। फियर, जो मणिपुर चक्र है, मैं अगर उस हिसाब से कहूँ, अधिकतर लड़कियों का मणिपुर चक्र वीक होता है, जिससे जो है उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, पेट खराब रहता है हमेशा, और सेल्फ एस्टीम जो है वो बहुत लो रहती है। अब गर्ल चाइल्ड्स के लिए जो हम लोग उनकी ट्रेनिंग करते हैं बचपन से ही, लड़कियों की, बच्चियों की जो ट्रेनिंग होती है उसमें हमारी बहुत बड़ी कमी है, और इसमें हम लड़कियों को जब हम बड़ा कर रहे होते हैं उसी समय में उनके मन में कुछ नेगेटिव बातें डालना शुरू कर देते हैं कि लड़कियां तो पराया धन होती हैं, ये हमारे घर की लक्ष्मी है, ये लड़की जात ऐसी है, अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए, जमाना बहुत खराब है, काश ये लड़का होती, और मेरे खानदान की इज्जत है। इतने भारी भरकम शब्दों से एक छोटी बच्ची को लाद दिया जाता है, इम्पोज कर दिए जाते हैं ये शब्द, तो एक बच्ची को समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। और उसी के ही भाई के साथ डिफरेंट वे में ट्रीटमेंट होता है। भाई पूछता है कि मैं बाहर चला जाऊं, हाँ बेटा जा चला जा, और बहन पूछती है कि मैं चले जाऊं, नहीं नहीं किसी को साथ लेकर जा। मैं मानता हूं जमाना भी ऐसा खरा गड़बड़ है ये, लेकिन जमाना बनाया किसने है, समाज बनाया किसने है, हम ही ने तो बनाया है ना। तो कहीं ना कहीं हम सबके अंदर एक जागृति की जरूरत है कि अपनी बच्चियों को अपनी, उनकी सेल्फ डिफेंस उनकी स्ट्रांग क्यों ना की जाए, उनकी सेल्फ एस्टीम हाई क्यों ना की जाए। क्या सदाई वो इसी तरह दबी रहेंगी? क्या कभी भी उनका सशक्तिकरण नहीं हो पाएगा, उनको एम्पावरमेंट नहीं दी जाएगी? नहीं, इसको अभी से रोकना पड़ेगा, और ये अपने घर से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं अपनी बच्चियों को इस तरह के पॉजिटिव सजेशंस देकर। तो लो सेल्फ एस्टीम के लिए हमेशा उनको, बच्चियों को सिखाया जाता है कि बेटा दूसरों की पहले परवाह करो, वो पहले, भाई पहले, पापा पहले, बड़े दूसरे पहले, उनको दूसरों की परवाह करने की सीख दी जाती है। उनको जब वो अपना आत्मसम्मान भी देती है ना, तो उनको वो भी स्वार्थ की तरह दिखता है। हे, तुम सिर्फ अपने ही बारे में सोचती हो, भाई के बारे में सोचो, पापा के बारे में सोचो, मतलब उनको जेंट्स की कदर की करने के लिए, जैसे वो लो हैं और उनको किसी जेंट्स की कदर करने की जरूरत है, सिर्फ तभी उनका सम्मान अच्छा होगा। ऐसी नेगेटिव इमेज बना दी जाती है कि बच्चियों का को ऊंची आवाज में बात नहीं करना, और
अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हमेशा लोगों को प्रायोरिटी देनी है और किसी को उल्टा जवाब नहीं देना, भले ही सामने वाला गलत क्यों ना हो। इसी के कारण लड़कियों के साथ बहुत सारे जो अब्यूज़ होते हैं सुनने में आते हैं, तो बड़ा बुरा लगता है कि क्यों उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि उन्हें पहले से ऐसी चीज़ की एजुकेशन दी जाती है। और इसमें अलग अलग सभी धर्मों में लगभग एक जैसी कंडीशन है, तो इसके लिए हम कोशिश करें कि अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों में कुछ चेंज लाने की कोशिश करें। मैं आपको यहाँ से पॉजिटिव अफर्मेशन की बात करता हूँ, जिससे बच्चियाँ खुद भी अपने अंदर खुद से बदलाव ला सकती हैं। जो हमारी बच्चियाँ इस प्रोग्राम को देख रही हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है खुद भी देखें, इस पर अमल करें, और आपकी कोई प्रॉब्लम है तो हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर आपकी समस्याओं का कोई ना कोई समाधान करेंगे। छोटे बच्चियों के लिए, विशेष रूप से जिनकी एज 15 साल से कम है, हमारी ये सेवाएं फ्री रहेंगी, आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप कॉल करें, नीचे जो नंबर दिए हुए हैं उन पर कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, जो भी आपको सहायता आपकी होगी हम जरूर करेंगे। किसी भी तरह की अगर इसके लिए लीगल भी हमें जाना पड़ेगा तो उसकी आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम लोग हर तरीके से आपकी सहायता करने की कोशिश करेंगे। तो पॉजिटिव अफर्मेशन से पहले अपने आप को पॉजिटिव बनाइए, अपने आप को अफर्मेशन, अपने आप को पॉजिटिव देकर अपने अंदर ये बदलाव हम लेकर आने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इन अफर्मेशन को आप हो सके तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर लें, कहीं ना कहीं लिख लें इफ़ पॉसिबल, और इनको बार बार दोहराएं, हो सके तो चलते फिरते, खाते पीते, जागने के तुरंत बाद और सोने से तुरंत पहले इनको दोहराएं और इनको बार बार रिपीट करते रहें, और अपने मिरर पर लगा लें और इन अफर्मेशन को रिपीट करें। तो इस विशेष रूप से इनको ये, इससे क्या होता है, हमारी सेल्फ एस्टीम चेंज होती है। ये जो लाइनें हैं, ये जो शब्द हैं, ये जो अफर्मेशन हैं, ये आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। एनीवे, अब हम अफर्मेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आई लव माई सेल्फ एज ए गर्ल, मैं एक लड़की के रूप में खुद से प्यार करती हूं। स्वीकार करें, लड़की होना किसी भी तरह से कोई निम्नता की निशानी नहीं है, अपने आप में एक लड़की के अंदर मां का रूप समाया हुआ है, और जैसे हम मां का सम्मान करते हैं वैसे ही एक लड़की के अंदर हम वही वाली इमेज देखकर हमें उसका सम्मान करना चाहिए। तो आई लव माई सेल्फ एज ए गर्ल, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ इन स्पाइट ऑफ वीकनेस, मेरे अंदर कुछ कमियां भी हैं लेकिन मैं खुद को स्वीकार करती हूं। आई एम वर्दी एंड डिजर्व टू बी हैप्पी, मैं हर तरीके से योग्य हूं और खुश रहने के लायक हूं। लड़की होने का मतलब मैं दबी रहूं, मैं लोगों से नीचे आवाज में बात करूं, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, और मैं अपने आप को मैं पूरी तरह से प्रेम के योग्य हूं, वर्दी हूं, और आई डिजर्व टू बी हैप्पी, मुझे पूरा हक है कि मैं खुश रह सकूं। आई डोंट नीड टू बी परफेक्ट टू बी एक्सेप्टेड, मुझे स्वीकार किए जाने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। ये भी हमारे समाज की एक बहुत गंदी समस्या है कि लड़कियों को हम बिल्कुल परफेक्ट, यानी बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में देखना चाहते हैं। पीछे हमारे दोस्त की बेटी की शादी की बात हो रही थी, तो वो चश्मा लगाती थी और चश्मे के कारण ही लड़के वाले उसे रिजेक्ट किए जा रहे थे। बड़ी हैरान कर देने वाली है बात है, इसमें कौन सी बड़ी चीज़ है? अगर कोई लड़की चश्मा लगा रही है तो क्या लड़के नहीं चश्मा लगा रहे हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? और आंखें थोड़ी बहुत खराब हो जाना कौन सी बड़ी बात है? उसको लेके इतना ज्यादा हंगामा मचा, उस लड़की को बेचारी को, वो एक बार उसने सुसाइड अटेम्प्ट तक कर डाला, इतनी नेगेटिविटी उसको फैला दी गई थी कि जैसे उसने पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। तो इसके लिए ही मैं ये अफर्मेशन मैंने डाला, आई डोंट नीड टू बी परफेक्ट टू बी एक्सेप्टेड, मुझे लोगों के बीच में स्वीकार होने के लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, अगर मेरे अंदर कोई कमी है मैं अपनी कमी को पूरी तरह से स्वीकार करती हूं। सो मुझे स्वीकार किए जाने के लिए पूर्ण होने की जरूरत नहीं है। सेल्फ बिलीव करने के लिए, अपने आप पर भरोसा बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? आई एम यूनिक, मेरे जैसा दुनिया में कोई और नहीं है, परमात्मा ने अगर मुझे इस संसार में भेजा है तो एक पर्पज के लिए भेजा होगा, डेफिनेटली मेरे जैसा दुनिया में कोई और नहीं बनाया उसने। आई बिलीव इन माई सेल्फ, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। आई एम स्ट्रांग एंड कॉन्फिडेंट एंड आई एम इंपॉर्टेंट, मेरा होना इस संसार में जरूरी है। इस तरीके से आप अपने आप को अफर्मेशन, फुल सेल्फ रिस्पेक्ट, बच्चियों को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए, आई एम सेफ एंड सिक्योर, अपने आप को बोलना है, डरे नहीं रहना, और सेफ्टी के लिए अगर कुछ सीखना पड़े, जैसे जूडो, कराटे, सेल्फ डिफेंस के लिए अगर आपको सीखने पड़े तो जरूर सीखिए, इससे डेफिनेटली आपके कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी बॉडी इमेज स्ट्रांग होती है अपने बारे में, और ये अफर्मेशन भी साथ में दोहराइए, आई एम सेफ एंड सिक्योर, मैं सुरक्षित हूं। आई एम अलाउड टू फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद पर गर्व महसूस करती हूं। आई लिसन टू माई हार्ट, मैं अपने दिल की सुनती हूं।
आई एक्सेप्ट माई फ्लॉज एंड फॉरगिव माई सेल्फ फॉर माई मिस्टेक, मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करती हूँ और अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करती हूँ। आई थिंक वेरी पॉजिटिव अबाउट माई सेल्फ, मैं अपने बारे में सकारात्मक सोच रखती हूँ, मुझे अपनी भावनाओं को महसूस करने की अनुमति है। लव योर बॉडी, अपने शरीर को भी स्वीकार करें, अब शरीर के, क्योंकि लड़कियां अपनी बॉडी इमेज के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं और ये सेंसिटिविटी ही उन्हें परेशान करती है कि अगर बॉडी में थोड़ी सी भी डिफॉर्मिटी है किसी भी टाइप की, मान लीजिए क्योंकि लड़कियां कंपेयर बहुत करती हैं, इसलिए क्योंकि एक नेचर बना दी है, वो भी हमारे समाज की एक समस्या है, हमने बार बार एक नेचर बना दिया कि देखो बाकी लड़कियों को, वो अपने आप को किसी हीरोइन से अगर कंपेयर करती हैं तो डेफिनेटली कुछ हीरोइन है वो तो सेलेक्टेड वंस हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उस सेलिब्रिटी से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपके बॉडी इमेज उनके मुकाबले में तो डिफरेंट होगी। तो आप कहें कि मुझे अपने शरीर से प्यार है, मैं जैसी भी हूं खुद को स्वीकार करती हूं, अपने शरीर को भी मैं पूरी तरह से स्वीकार करती हूं, माय बॉडी इज परफेक्ट द वे इट इज, ये जैसा भी है ये परफेक्ट है, मेरा चेहरा ऐसा नहीं ऐसा होता, क्योंकि लड़कियों से हम सुनते हैं ना, हमने पीछे किसी जगह पर एक क्लास ली तो लड़कियों ने आकर अपनी समस्याएं बताई कि हमारे मन में ये सब चलता रहता है, काश मेरा चेहरा ऐसा नहीं ऐसा होता, गाल उभरे हुए होते, पिचके हुए होते, आंखें ऐसी होती, थोड़ी मोटी होती, नाक थोड़ी पतली होती, छोटी होती, टेढ़ी होती, मेढ़ी होती, कंप्लेक्शन थोड़ा फेयर होता है या थोड़ी डार्क होती, या पता नहीं क्या क्या लेकर बैठे होते हैं, ये क्यों डाला हुआ है, ये क्यों अपने आप को आपने अपने मन में डाला हुआ है और उसको डाल के अपने आप को क्यों नेगेटिव बना रहे हैं। आप जैसे भी हैं खुद को स्वीकार करें, मेरा शरीर परिपूर्ण है, इट जस्ट परफेक्ट, आई डोंट कंपेयर माई सेल्फ टू अदर। ये प्रॉब्लम तभी आती है जब हम कंपेरिजन करते हैं, तो अपना कंपेरिजन लोगों के साथ न करें, जैसे भी हैं अपने आप को स्वीकार करें, क्योंकि ये शरीर आपने नहीं बनाया है, ये नेचर का बनाया हुआ है, ये परमात्मा का, यूनिवर्स का बनाया हुआ है, इसमें आप एक लिमिट से ज्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते, सो अपने आप को स्वीकार करें। और सिमिलरली माई बॉडी इज स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, मेरा शरीर मजबूत और स्वस्थ है, आई रिस्पेक्ट माई बॉडी, मैं शरीर का सम्मान करती हूँ, आई एम ब्यूटिफुल, अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करें, आई लव एक्सेप्ट माई फैमिली, अब फैमिली को भी स्वीकार करें, उनसे भी कोई दुश्मनी नहीं है, एक पॉजिटिविटी है, मैं अपने परिवार से प्यार करती हूँ, अपने परिवार को स्वीकार करता हूँ, आई एम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई फैमिली, मैं अपने परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ, आई एम लव्ड एंड आई बिलोंग टू माई फैमिली। और सिमिलरली गोल सेटिंग एंड अचीविंग, आप अपने मन में गोल डालें, आई बिलीव इन माई ड्रीम्स, मुझे अपने सपनों पर विश्वास है, आई कैन रीच माई ड्रीम, माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स आर कैन कम टू ट्रू, मैं नए विचारों के लिए खुली हूँ। इस तरीके से आप अपने आप को स्वीकार करते जाएं, आई सेट एंड अचीव माई गोल्स, मैं अपने लक्ष्य बनाती हूँ और उन तक पहुँचती हूँ, मैं आई बिलीव इन माई कैपेबिलिटीज एंड सो फोर्थ। अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार कर पाना और प्रेम कर पाना, जीवन की खुशियों को स्वीकार कर पाना, सो जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमां बाकी है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।